में हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी के आने वाले लेवल क्या रह सकते हैं आने वाले समय में, हमको निफ्टी में किस प्राइस पे हमको इसमें अपसाइड या किस प्राइस पे हमको डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, इसकी पूरी चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे एंजल वन का एप्लीकेशन को लॉग इन किया है। यहाँ पर आपको सबसे अच्छा फीचर इंस्टा ट्रेड का आपको देखने को मिलता है। इस फीचर का हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहाँ के इंस्टा ट्रेड फीचर का आप लाभ ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंस्टा ट्रेड के ट्रेड नाउ ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब हमको ये देखे आ जाता है, इसकी ट्रेडिंग विंडो पे देखे आ जाता है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो चार्ट आपको देखने को मिलता है, ये निफ्टी का चार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो निफ्टी ने आज दिन के दौरान में जो कामकाज किया है वो बिल्कुल एक संतुलित कामकाज किया है। इसके अंदर कोई हमको खासा अपसाइड मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिला। लेकिन ये तो बात आती है कि अगर हमने यहाँ पे मार्केट क्लोज होने की हम बात करते हैं तो हमको यहाँ पे बिल्कुल कोई कामकाज होता हुआ नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर लाइव मार्केट की बात करते हैं तो लाइव मार्केट में जो डेटा यहाँ पे बना है कि यहाँ पे निफ्टी ने कितना हाई बनाया है, कितना लो बनाया है, इसकी हम बात करते हैं तो निफ्टी ने जो ओपनिंग दी थी आज ये 17,609 के प्राइस पे ओपनिंग दी थी। लेकिन यहाँ पे जो गिरावट दर्ज की है आप देख सकते हैं 17,532 की इसने गिरावट दर्ज की है। लेकिन यहीं पे हम हाई की बात करते हैं तो इसने 17,722 का हाई लगाया है। लेकिन जो क्लोजिंग दी है इसने स्टेबल क्लोजिंग दी है, कोई खासा इसने मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। आपको यहाँ पे इसका जो कैंडल बना हुआ दिखाई दे रहा है इसमें कोई खासा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के रेंज की बात करते हैं तो निफ्टी जो कामकाज कर रहा है ये 17,700 से लेकर 17,500 के रेंज में काम कर रहा है। और निफ्टी ने जो कैंडल बनाया है इस कैंडल को हम डोजी पैटर्न कहते हैं, जो कि एक अनिश्चितता को इंडिकेट करता है। मतलब कि जो निफ्टी कामकाज करने वाला है आने वाले समय में ये 17,700 से लेकर 17,500 के रेंज में काम कर सकता है। तो यह एक निफ्टी की रेंज इंडिकेट करती है। जब ये निफ्टी की रेंज जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक होंगी उस डायरेक्शन में निफ्टी हमको आगे या नीचे गिरता या बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये निफ्टी का एनालिसिस था जो एजुकेशन बेसिस पे था। इस प्रकार से आप निफ्टी का एनालिसिस करके आगे आने वाले समय में निफ्टी का कॉल एंड पुट में आप पोजिशन बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि निफ्टी अपसाइड में जा सकता है तो आपको यहाँ पर बाय कॉल के बटन आपको देखने को मिलती है। अगर आपको लगता है कि निफ्टी डाउन साइड में जा सकता है तो यहाँ पे आपको बाय पुट की बटन दिखाई देती है। आप इन ऑप्शन का यूज़ करके निफ्टी के कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन में पोजीशन बना के आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ से इंस्टा ट्रेड के फीचर का उपयोग करके आप यहाँ से अपनी ट्रेडिंग करके आप यहाँ से प्रॉफिट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।